समय हो गया है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की बैठक का आयोजन शिवनीमालवा में किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभागीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष की अनुशंसा पर नगर समिति की घोषणा की गई। संगठन के क्रियाकलाप के बारे में जानकारी दी गई और आने वाली योजनाओं के बारे में भी पूरी तरह से बताया गया। नए कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मध्य भारत के प्रांत के सचिव मूलचंद साध ने बताया कि वर्तमान में जिस तरह के हिंदू संगठन कार्यरत हैं वो मिश्रित हो चुके हैं और इस संगठन का उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं के फायदे के लिए है, हिंदुओं के अस्तित्व के लिए है। साथ साथ उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि यहाँ पर सभी चीजों पर राजनीति की जा रही है। धारा 370 को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसमें हिंदुओं का कोई फायदा नहीं है, कश्मीरी हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह का अध्यादेश वे अयोध्या में भी लाएं और तब उनका समर्थन करेंगे। इस खास कार्यक्रम में विशेष रूप से सूरज मिश्रा, प्रदीप साहू, आलोक गौर, नवनीत यदुवंशी और अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज के इस कार्यक्रम के विषय में बताएं। मैं मूलचंद साध, प्रांत सचिव अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत। आज शिवनीमालवा में संगठन विस्तार और कार्य के दृढ़ीकरण की योजना से आज शिवनीमालवा में आगमन हुआ। यहाँ विगत कई दिनों से योजना थी कि शिवनी में संगठन की अच्छी समिति, अच्छे कार्यकर्ताओं की खोज करके नई समिति बनाई जाए, उसी सिलसिले में आज यहाँ आगमन हुआ और यहाँ पे आज समिति के पदाधिकारियों की घोषणा हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों की घोषणा हुई। आने वाले समय में हम इन पदाधिकारियों के माध्यम से एक बृहद बैठक करके सारे आयामों पर नियुक्तियाँ करेंगे। हिंदुस्तान में पहले से भी सक्रिय हैं कुछ हिंदू संगठन और काम कर ही रहे हैं, आखिर ये एकदम से नया संगठन बनाने की क्या जरूरत पड़ी? विगत कई दिनों से हिंदू संगठन काम कर रहे हैं और उन्हीं संगठनों की वजह से आज धर्म और संस्कृति बची रही, लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो संगठन हिंदुओं के लिए काम कर रहे थे, आज उन संगठनों में गैर हिंदुओं को भी जगह मिलने लगी। वो उदारवादिता के कारण हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय दोगड़िया जी ने संगठन जो पहले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हुआ करते थे, जब उनसे राम मंदिर के बारे में बात करने को मना बोलने लगे, हिंदुओं के प्रति ज़्यादा उदारता एवं मुसलमानों के प्रति कट्टरता दिखाने पर प्रतिबंध लगने लगा, तो उन्होंने ये संगठन छोड़ दिया और एक नए संगठन की योजना की। उसके बाद केवल आज से और उनकी स्थापना से, उस दिन से जिस दिन से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना हुई, केवल विश्व का एकमात्र संगठन जो केवल हिंदू ही आगे ऐसे ध्येय के साथ केवल हिंदुओं के लिए काम करने वाला संगठन है, क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसको हम कहते हैं, केवल हिंदुओं का संगठन था और हिंदुओं के लिए काम करने वाला संगठन था। जब बड़ा दुख हुआ, क्योंकि 15 साल हमने भी आरएसएस में काम किया और जब उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम के एक आयाम की घोषणा कर दी, उस दिन से हमें लगने लगा कि अब ये संगठन हिंदुओं के लिए नहीं बचा और हमारे सरसंघ चालक एवं विश्व हिंदू परिषद के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने क्लियर कहा कि हमारे संगठनों में आप हिंदू नहीं, गैर हिंदू लोग भी हमारे कार्यकर्ता। वर्तमान सरकार पे आपने आरोप लगाया कि 370 का फायदा ना हिंदुओं को हुआ ना कश्मीर के हिंदुओं को हुआ। नहीं, बिल्कुल हम इस बात पे आरोप लगा कि इसमें कोई अभी फायदा नहीं हुआ, केवल एक यही है कि जैसे आपको एक मरीज आया और उसका ऑपरेशन कर दिया, कुछ उसके जीवन की गारंटी किसी ने नहीं ली, तो उसकी उसके जीने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी, कहाँ जाएगा वो? भाई धारा 370 हटी तो धारा 370 में वहाँ पे जो विस्थापित मुसलमान जो हिंदू भाई थे, विस्थापित पंडित थे, लोगों ने उसको एक शब्द दे दिया मतलब कश्मीरी पंडित, जबकि कश्मीरी पंडित नहीं, वो कश्मीरी हिंदू है। कश्मीरी सारे चाहे पंडित थे या कोई भी था हिंदू, उनको वहाँ से खदेड़ा गया। आज तक धारा 370 हटने का आज कम से कम 20 से 25 दिन होने वाले हैं, एक भी ऐसी समाचार नहीं आया। कोई मीडिया बता दे, मैं चुनौती देता हूं कि हमने आज वहां पे आज इतने जो जिनको वहां से भगाया गया था, आज उनको हमने स्थापित कर दिया। पाकिस्तान हिंदुस्तान को अभी बार बार धमकियां दे रहा है, न्यूक्लियर बम की भी, इसकी भी, युद्ध की भी, इसमें आप क्या मानते हैं? नहीं, ये तो एक राजनीतिक मसला है, इसमें हम ज़्यादा नहीं बोल सकते।